तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था, दिस लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लाइफ एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है, जिसमें आपको राइज होना है, थोड़ा सा आपको रेस्ट भी करना है, काम करना है तो रेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आपको पेन मिला है तो आपको प्लेजर भी मिलेगा, पर कभी भी आप बिल्कुल भी निराश ना हो जो भी आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आपको बिल्कुल एक समुंदर की लहर की तरह होना है, गिरकर फिर से उठना है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मार्च 26, 2019 और डे है ट्यूसडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप लोग अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो तो मेरे कोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हो। आज का जो आपके लिए सवाल है, उससे पहले जो कल सवाल पूछा था उसका जवाब बता देता हूं। कल मैंने आपसे पूछा था सेवा भोज योजना के बारे में। सेवा भोज योजना एक बहुत ही ज़रूरी स्कीम है, आपके जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर है उसके अंदर यह पर्टिकुलर स्कीम आती है। स्कीम के अंदर क्या होगा, जो रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज़ होती हैं, जो चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे गुरुद्वारास, मॉस्क, टेम्पल्स या बाकी सारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो जहाँ पर फ्री फूड, लंगर या प्रसाद प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उनको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है जब वो लोग रॉ मटेरियल खरीदते हैं। टैक्स जैसे CGST का टैक्स या IGST का टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो शेयर है CGST का, IGST का, सेंट्रल गवर्नमेंट उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को रीएम्बर्स कर रही है, उनको वो टैक्स के पैसे लौटा रही है। ओके, इट्स अ गुडविल जेस्चर। यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट थी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट थी, दूसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। लिखा हुआ है ओनली दोज इंस्टीट्यूशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम, ये बिल्कुल गलत है। बट यहाँ पे एक हमारे पास पोर्टल है जिसका नाम है दर्पण पोर्टल। ओके, इसके अंदर रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो तीसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो यहाँ पे चैरिटेबल रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको पिछले 5 साल से प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और करीबन यहाँ पे पिछले 3 साल से वो 5,000 लोगों को हर महीने फ्री फूड प्रोवाइड कर रहे हों। आपके लिए ऑप्शंस थे, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर C 1 and 3 ओनली। सेकेंड जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। आप लोगों के लिए आज का जो सवाल है वो है, अभी इंडिया की रैंकिंग आई थी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर, 140 इंडिया की यहाँ पर रैंक हुई है, 7 पदों से इंडिया यहाँ पर गिर गया, 156 कंट्रीज़ को टोटल रैंक किया था। आपको बताना है यहाँ पर कि ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, ए ILO, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनेस्को या डी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको पहली खबर मिलती है, व्हाई नॉट इंक्रीज द VVPAT काउंट आस्क सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे अपोजिशन पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची ये कहते हुए कि VVPAT का जो यहाँ पे रैंडम वेरिफिकेशन है वो कम से कम 50% जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोलिंग बूथ हैं उनके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग VVPAT के बारे में कुछ जानकारी ले लो, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि जो VVPAT है इट्स अ वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। यहाँ पर जो प्रिंटेड स्लिप होती है वो 7 सेकेंड्स के लिए रहती है। ये वाली मशीन को आप लोग EVM मशीन के नाम से जानते हो, इस वाली मशीन को हम लोग VVPAT कहते हैं। तो टोटल 7 सेकेंड्स के लिए रहता है, और जो चिट होगी, जो प्रिंटेड स्लिप होगी, उसके अंदर सीरियल नंबर आएगा, नाम आएगा, सिंबल आएगा चूजन कैंडिडेट का। इसकी मदद से यहाँ पे वेरीफाई किया जा सकता है कि आप लोगों ने जो वोट डाला है वो सही डाला है या नहीं, और आप अपनी चॉइस को कंफर्म भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 2019 में जो चुनाव होंगे उनके अंदर सब जगह पर हम लोग VVPAT का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि यहाँ पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से यहाँ पर एक पोलिंग बूथ को रैंडमली वेरीफाई किया जाएगा, VVPAT और EVM की जो चीज़ें उनको आपस में मैच किया जाएगा। पर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो कि बार बार इल्ज़ाम लगा रही हैं कि EVM के अंदर कुछ गड़बड़ी चल रही है, वो ये कह रहे हैं कि 50% के अंदर यहाँ पर 50% पोलिंग बूथ्स के अंदर यहाँ पर रैंडमली हमें वेरीफाई
करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास वो लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है इलेक्शन कमीशन को कि आप रैंडम फिजिकल वेरिफिकेशन जो करते हो यहाँ पे वीवीपैट की लोकसभा असेंबली इलेक्शन के अंदर, आप यहाँ पे इतने ज़्यादा रजिस्टेंट क्यों हो, आप यहाँ पर नंबर ऑफ यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है उसको क्यों नहीं इंक्रीज कर सकते। यहाँ पे डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर संदीप जैन जी का ये कहना था कि अभी जो प्रैक्टिस है यहाँ पे फिजिकली चेकिंग करने की, वो हम लोग क्या करते हैं, एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं पोलिंग स्टेशन और यहां पे उसको यहां पे चेक किया जाता है, और वही आज की डेट में बड़ी जरूरत है और उस चीज को एक्सटेंड भी नहीं किया जा रहा है। यहां पर जो बेंच थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी की और जस्टिस दीपक गुप्ता जी की, उनको यही बोलते हुए कहा मिस्टर जैन जी ने कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये एब्सोल्यूटली राइट है, इसे यहाँ पे एक्सपर्ट स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है और इलेक्शन कमीशन बार बार ट्राई कर रही है कि वो अपने पैरामीटर्स में सुधार कर सके। यहाँ पे जस्टिस रंजन गोगोई जी ने मिस्टर जैन को ये चीज़ याद दिलाई कि 2013 के अंदर जो सुब्रमण्यम स्वामी केस हुआ था उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि वीवीपैट का इस्तेमाल पूरे देश में होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने खुद से यहां पर पैरामीटर्स इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करी। साथ ही चीफ जस्टिस ने यहां पे बोला कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, चाहे वो जुडिशरी हो या कोई भी हो, सबको ट्राई करना चाहिए अपने पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए। यहां पर कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस चीज के बारे में एफिडेविट डालने को बोला है थर्सडे तक कि आप एक एफिडेविट डालो कि आप लोग क्यों फुल्ली सेटिस्फाइड हो कि वीवीपैट की यहां पे जो काउंटिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। साथ ही एफिडेविट के अंदर यह भी बताया जाएगा कि किन किन लॉजिस्टिक्स का क्या क्या समय यहाँ पे जरूरी है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सैंपल वेरिफिकेशन का। अगर मान लो यहाँ पर ये अप्रूव हो जाता है कि 50% जो असेंबली के जो पोलिंग बूथ्स होंगे उनका रैंडम वेरिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्ट की जो डेट है वो हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आएगी। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। बेसिकली 21 अपोजिशन पार्टी ने यहाँ पे डिमांड करी थी कि रैंडम वेरिफिकेशन कम से कम 50% ईवीएम और वीवीपैट का होना चाहिए हर असेंबली सेगमेंट या हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ओके, अपोजिशन पार्टी बार बार यह इल्जाम लगा रही है कि ईवीएम के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, पर जब इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन किया था उस समय कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम मशीन्स को हैक करने नहीं आई थी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ आपको मिलती है गोयल्स स्टेप डाउन फ्रॉम द जेट बोर्ड। यहाँ पे बात हो रही है जेट एयरवेज के बारे में, जो कि एक डूबती हुई कंपनी है। उसके यहाँ पे जो चेयरपर्सन थे नरेश गोयल जी, उन्होंने अपना यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है, एज वेल एज उनकी जो वाइफ हैं अनीता जी, उन्होंने यहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर से अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर अब जो बैंक्स हैं जिनके यहाँ पे एनपीए इकट्ठे होते जा रहे हैं, जिनसे उधार लिया हुआ है जेट एयरवेज ने, वो बैंक्स अब 50.1% स्टेक्स होल्ड करेंगे। मिस्टर गोयल के जो स्टेक्स हैं वो 51% से घटके 25.5% हो गए हैं। इतिहाद एयरवेज के भी यहाँ पे कुछ स्टेक्स हैं जेट एयरवेज के अंदर, वो पहले 24% थे, अब 12% हो गए हैं। पब्लिक शेयर होल्डिंग पहले 25% थी, अब 12.65% हो गई है। मिस्टर गोयल ने यहाँ पर अब प्लेज लेंगे कि वो 16% ऑफ हिज रेजिडुअल स्टेक, रिजल्टिंग इन द टोटल डिक्लाइन ऑफ हिज इफेक्टिव स्टेक टू 10%। वो अपने 16% और स्टेक्स बेचने की यहाँ पे फिराक पे हैं। बाकी आप देख सकते हो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम आई है कैश क्रंचिंग की प्रॉब्लम है, एक स्लगिश ग्रोथ की यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती हुई नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये चौथा ऐसा क्वार्टर था जहाँ पर रेगुलर लॉस में हम लोगों को जेट एयरवेज नजर आई। यहाँ पे इतनों पैसों की कमी आ गई है कि वो सैलरी नहीं पे कर पा रहे हैं अपने पायलट्स को। ओके, तो ये यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है जेट एयरवेज वाले इशू में। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे आपको खबर मिलती है। राहुल गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दी, बेसिकली डायरेक्टली उन्होंने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर सबका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी। गरीबी हटाओ 2.0 का नारा देते हुए राहुल गांधी जी ने बोला कि वो एक नई स्कीम लेकर आएंगे जिसका नाम होगा न्याय। न्याय विल बी न्यूनतम आय योजना। जो न्यूनतम आय योजना है ये वही है जो कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करता है। यहाँ पे राहुल गांधी जी ने बोला कि जो पुअरेस्ट फैमिलीज में से 20% परिवारों को 72,000 रुपीज सालाना दिए जाएंगे। यहाँ पर राहुल गांधी जी का ये कहना है कि 5 करोड़ फैमिलीज एंड 25 करोड़ पीपल वुड बी लिफ्टेड आउट ऑफ पॉवर्टी अंडर द न्याय स्कीम। और यहाँ पे प्रॉमिस भी किया कि 20% फैमिलीज को 72,000 रुपीज एनुअली दिए जाएंगे। डायरेक्टली यहाँ पे
जो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम को सामने रखने की कोशिश करी। तो आपके लिए एक और आज शब्द इंपॉर्टेंट हो गया, वो है ये मैनिफेस्टो। ये मैनिफेस्टो क्या होता है? बेसिकली जो मैनिफेस्टो जो शब्द है वो मैनिफेस्ट शब्द से आया है। मैनिफेस्ट मतलब किसी चीज़ को सबके बाहर रखना, अपने व्यूज़ को, विचारों को सबके सामने रखना। बेसिकली मैनिफेस्टो कोई भी पब्लिश कर सकता है। आप भी अगर कोई एक यहाँ पे एक पर्चा छापते हो जिसमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके क्या व्यूज़ हैं आप वो लिखते हो और आप क्या करना चाहते हो वो चीज़ें लिखते हो, उससे मैं बोलूँगा ये आप लोगों का मैनिफेस्टो है। इसी तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो भी अपना मैनिफेस्टो छापती हैं कि उनका इंटेंशन क्या है, मोटिव क्या है, व्यूज़ क्या हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस चीज़ को हम लोग मैनिफेस्टो के नाम से जानते हैं। ओके यहाँ पे हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो यहाँ पे सिंबल्स बने हुए हैं, दे आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़। हमारे देश में 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि है BSP, BJP, NCP, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, INC, CPI और CPIM। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। पेज नंबर 1 पे आपको ये वाली पिक्चर मिलती है। यहाँ पे बात हो रही है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे रिमूव कर रही है स्नो फ्रॉम दी मनाली ले हाईवेज। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसके बारे में आज कुछ डिटेल्स हैं। BRO जो है उसके पास काम है बेसिकली जो हमारे बॉर्डर रोड्स होती हैं, बॉर्डर के इलाकों के आसपास जो सड़कें हैं उनके नेटवर्क को यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर इंक्रीज़ करना। ओके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना। यहाँ पे जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो सबसे जो मुश्किल सवाल आ जाता है वो ये है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करती है। याद रखना ये वर्क करती है अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। करेंटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 21 स्टेट्स के अंदर काम कर रही है और जो बाहर के देश हैं, जो हमारे फ्रेंडली नेशंस हैं, उनके साथ मिलकर भी काम करते हैं हम लोग, जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका। BRO करेंटली ऑपरेट करती है और मेंटेन करती है 32,885 किलोमीटर ऑफ रूट्स को और 12,200 मीटर ऑफ परमानेंट ब्रिजेस को भी। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 पे आपको खबर मिलती है PSLV C45 प्रोजेक्ट विल मार्क सेवरल फर्स्ट फॉर इसरो। PSLV C45 प्रोजेक्ट हमें लॉन्च होता हुआ नजर आएगा April 1st को और PSLV C45 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि द रीजन इज ये पहला हमारा लॉन्च व्हीकल होगा, पहला इसरो का अटेम्प्ट होगा जहां पर हम लोग 3 अलग अलग ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे। ओके 3 अलग अलग ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट यहाँ पे छोड़ी जाएंगी। एक चीज आप लोग याद रखना, जो PSLVs होते हैं वो 4 स्टेज वाले होते हैं हमारे और जो GSLV होते हैं वो 3 स्टेज के होते हैं। तो यहां पे इसरो का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जो हम लोग पेलोड्स को 3 डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर प्लेस करेंगे। जो चीफ पेलोड है उसका नाम है MESAT EMISAT जो कि 436 kg की यहां पे सैटेलाइट है, उसको 749 किलोमीटर ऑर्बिट के अंदर हम लोग छोड़ेंगे। साथ ही उसके बाद जो फोर्थ स्टेज जो है यहां पे देखो, जो हमारा PSLV होता है उसके टॉप वाली जो स्टेज होती है उसे हम लोग फोर्थ स्टेज कहते हैं, वो ऊपर जाएगी और 504 किलोमीटर पे और 28 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को वहाँ पर छोड़ेगी और उसके बाद वो फिर से नीचे आएगी और 485 किलोमीटर के यहाँ पे एल्टीट्यूड पे यहाँ पर रीस्टार्ट होके और यहाँ पे सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आ जाएगा और इस बारी हम लोग जो फोर्थ स्टेज है PSLV C45 की उसका इस्तेमाल एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए करेंगे। जो फोर्थ स्टेज होती है वो बेसिकली 6 महीने से 1 साल के अंदर एक स्पेस डेबरिस, स्पेस वेस्ट बन जाता है, तो तब तक के लिए तो हम लोग उसका एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पहली PSLV की स्टेज नहीं है, पहली फोर्थ स्टेज नहीं है जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए करने वाले हैं। पहले हम लोग ने PSLV C31 भी लॉन्च किया था जिसकी मदद से हम लोग ने माइक्रोसेट आर और कलाम सेट को लॉन्च किया था, उसकी भी फोर्थ स्टेज को हम लोग एक्सपेरिमेंटल पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स को। इसके साथ साथ यहाँ पे जो लॉन्च व्हीकल है वो एक नई वेराइटी का है जिसको हम लोग PSLV QL के नाम से जानते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने 4 XL स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगाई हैं। बेसिकली जो हमारे यहाँ पे PSLV होते हैं उसके नीचे फर्स्ट स्टेज के अंदर जो या बूस्टर्स लगे होते हैं स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, उन्हें ही स्ट्रैप ऑन मोटर्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जो इसरो है वो यहाँ पर 3 एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट है ARIS, वो भी लॉन्च किया गया है। ARIS इस एडवांस्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल एनालाइजर फॉर आयनोस्फेरिक स्टडीज, बेसिकली आयनोस्फेयर के कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे ऑटोमेटिक
पैकेट रिपीटिंग सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है जिससे रेडियो ऑपरेटर्स की मदद हो सके, और यहाँ पे एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है जिससे यहाँ पे मैरीटाइम सैटेलाइट एप्लीकेशन में हम लोग हेल्प कर सके। तो ये कुछ डिटेल्स थी यहाँ पे PSLV C-45 के मिशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, पेज 5 पे आपको अगली खबर मिलती है, मिनिमम एरिया मैक्सिमम प्लांट्स, कम एरिया में हम लोग ज़्यादा प्लांट्स कैसे उगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो खबर है वो कोटायम डिस्ट्रिक्ट के अंदर से आई है कि यहाँ पे एक मैनमेड फॉरेस्ट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है मैंगो मीडोज। मैंगो मीडोज यहाँ पे क्यों ज़रूरी हो गया, आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये मैनमेड फॉरेस्ट है, इंसानों का बनाया हुआ फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट को यहाँ पे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि इस फॉरेस्ट के अंदर 4,800 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, 700 हैं ट्रीज की, 900 हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की विद सैंपलिंग एंड सीड्स, और यहां पे 15 देशों से यहाँ पे जो सीड्स हैं और जो सैम्पलिंग है उन्हें इकट्ठा किया गया है। ओके, तो 30 एकड़ के आसपास की ये पूरी जमीन है जिसको हम लोगों ने ह्यूमन एफर्ट से फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया है। पेज नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको खबर मिलती है 55% इंटरनेट यूजर्स स्केयर्ड ऑफ एयरिंग पॉलिटिकल व्यूज। यहाँ पर एक रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है रिटर्स इंस्टीट्यूट ने, रिपोर्ट का नाम है इंडिया डिजिटल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर वो इंटरनेट यूजर्स जो कि यहाँ पे इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे गए, और ये देखा गया कि उनमें से 55% जो यूजर्स हैं वो डरते हैं किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट को सबके सामने डालने से। यहाँ पे बताया गया है कि 68% जिन लोगों का सर्वे किया गया जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते थे उनमें से 52% को लोग जो न्यूज़ है वो फेसबुक से पता लगती है, 52% को व्हाट्सएप से, 26% को इंस्टाग्राम से, 18% को ट्विटर से, और फेसबुक मैसेंजर से 16% को। मतलब न्यूज़ देखने के लिए लोग आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो एक और हमें बड़ी चीज़ देखने को मिली कि यहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर ओवरऑल न्यूज़ के ऊपर पोस्ट डालने से लोग घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं, लोगों को डर है कहीं उनके ऊपर कोई केस वगैरह ना हो जाए, ठीक है, उनके ऊपर कोई यहाँ पे अटैक वगैरह ना कर दे। तो ये मेन चीज़ है जो कि इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से हम लोगों के सामने आई है। और यहाँ पे द फैक्ट दैट आर सर्वे कवर्स ओनली इंग्लिश स्पीकिंग थिंग्स विद इंटरनेट एक्सेस इज की हेयर, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ पीपल है आप देखोगे वो ज़्यादातर आप देखोगे वो टेलीविज़न या प्रिंट मीडिया, अगर आप देखते हो तो रीजनल लैंग्वेज में कवर करते हैं, बट यहाँ पे जो हम लोग सोशल मीडिया की बात करते हैं ज़्यादातर लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भी अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होगे तो आप लोग जो स्क्रीन्स हैं उसे इंग्लिश में ही देखते होगे। इसके साथ साथ पेज नंबर 7 पे आपको एक और खबर मिली, वो है चिनूक विल इम्प्रूव रिएक्शन कैपेबिलिटीज़ इंडियन एयरफोर्स चीफ। तो यहाँ पर चिनूक को इंडक्ट कर लिया गया है, 4 चिनूक CH-47Fi हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स को इंडक्ट कर लिया गया है। इससे जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है वो हमारी बढ़ जाएंगी। आप लोगों ने पिक्चर में इस तरीके की चीज़ें दिखी होंगी जहाँ पर यहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो बैठ जाते हैं, उन्हें फिर एयरलिफ्ट किया जा सकता है, उसी के अंदर यहाँ पर चिनूक बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों को जब 20,000 फीट तक पहुँचना होता था तो हमारे पास कोई कैपेबल व्हीकल नहीं था। अभी रिसेंटली हम लोगों ने हॉविट्जर को भी इंडक्ट किया था, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने अब चिनूक को भी कर लिया है। तो जो यहाँ पे हमारे हाई टेरेन एरियाज हैं या जहां पर हम लोग नहीं पहुंच पाते उन एरिए में भी हम लोग यहां पर हमारे सोल्जर्स को ट्रूप्स को पहुंचा सकेंगे। दिस हेलीकॉप्टर्स विल बी डिप्लॉयड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन, और इसके साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर और जो दिनजन है यहाँ पे असम के अंदर वहाँ पे इन्हें डिप्लॉय किया जाएगा। इंडिया ने बेसिकली सितंबर 2015 के अंदर 15 बोइंग चिनूक हेलीकॉप्टर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया था। पहला बैच यहाँ पर आ गया था गुजरात के अंदर, और जो बाकी सारे हैं वो मार्च 2020 में हम लोगों के सामने आएंगे। जो चिनूक है वो एक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो कि मैक्सिमम पेलोड ऑफ 11 टन्स एंड 54 कॉम्बैट रेडी ट्रूप्स और 24 स्ट्रेचर पेशेंट्स को कैरी कर सकता है। आर्मी ने अभी रिसेंटली इंडक्ट किया था M777 अल्ट्रा लाइट हॉबिट्सर जो कि यहाँ पर फॉरवर्ड एरियाज के अंदर वर्क करता है। पेज नंबर 9 पे आप लोगों को यहाँ पे खबर मिलती है पुलिंग डाउन कंटेंट। अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ डालने से लोग डरते हैं, और यहाँ पे कुछ ग्राफ शोकेस किए जा रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कितने केसेस में गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रिक्वेस्ट करा कि जो पर्टिकुलर पोस्ट है, जो न्यूज़ है, उसको शट डाउन कर दिया जाए। यहाँ पे आप देखोगे गूगल के अंदर यहाँ पे एकदम से 2018 में जो शटडाउन की रिक्वेस्ट है वो बढ़ती हुई नजर आई। ज़्यादातर जो केस जिन्हें शटडाउन किया गया वो डिफेमेशन से लिंक करते थे, फिर
फ्रॉड से, फिर प्रीवेसी से, फिर रिलीजियस ऑफेंस थे। इसी के साथ साथ आप फेसबुक रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी यहाँ पे ज़्यादा केसेस बढ़ते हुए नजर आए हैं, जिनके अंदर सरकार ने डिमांड करी कि उस चीज़ को हटा दिया जाए, पोस्ट को हटा दिया जाए, वीडियो को हटा दिया जाए, सिमिलरली विद दी ट्विटर कंटेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग पेज नंबर 9 पे। आज आप लोगों को एक पोल कॉल के अंदर एक नई टर्म मिली जिसको बोलते हैं सेफोलॉजी। बेसिकली सेफोलॉजी पॉलिटिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं इलेक्शंस को और वोटिंग पैटर्न्स को। इंडिया के अंदर ये जो सेफोलॉजी की स्टडी है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस होते हैं और पॉलिटिकल इशू हमारे देश में खो जाते हैं। मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वोट करने जा रहे हो तो कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज इन सबसे ऊपर उठ के सोच कर, देश के डेवलपमेंट के बारे में सोच कर यहाँ पर वोट डालें। आगे बढ़ते हैं, आपको न्यूज़ मिलती है नॉर्म सून फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर फिनटेक सेक्टर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बोला है कि आगे आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग एक गाइडलाइन लॉन्च करेंगे जिसे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स बनाया जाएगा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए। नाउ रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या होगा, बेसिकली व्हाट इज दिस? मान लो कि अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ पूरी दुनिया के सामने बतानी है, कोई गाइडलाइन रखनी है, उससे पहले आप उस गाइडलाइंस को एक बंद कमरे में कुछ लोगों के अंदर एक्सपेरिमेंट करके बता सकते हो। उससे क्या होगा, अगर वो फेल होगा तो वो सारी की सारी चीज़ें उस रूम के अंदर ही रहेंगी, बाहर बड़े यहाँ पे जो लोग हैं, बाहर की जो दुनिया है उनका नुकसान नहीं होगा। सिमिलरली सैंडबॉक्स के अंदर हम लोग यही करते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है और फिर उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है एक मॉनिटर्ड इकोसिस्टम के अंदर, जिससे जो रिस्क है वो बाहर ज्यादा स्प्रेड ना हो और फेलियर को भी जल्द से जल्द हम लोग एनालाइज कर सके। यहां पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का इस्तेमाल करना जल्द ही चालू करेंगी, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और उनका खर्चा कम हो। आगे बढ़ते हैं, IRDAI मूट्स पब्लिक डिस्क्लोजर नॉर्म्स। यहाँ पे बेसिकली IRDAI ने बोला है कि जो भी जनरल इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, स्पेशल इंश्योरेंस हैं या री इंश्योरेंस हैं, या कोई भी यहाँ पे फॉरेन इंश्योरेंस की ब्रांचेस हमारे देश के अंदर हैं, वो यहाँ पर अपनी डिटेल जैसे रिवेन्यू, प्रॉफिट, लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट की डिटेल्स यहाँ पे IRDAI को सबमिट करेंगी, जिससे यहाँ पर जिस तरीके से बैंक्स डूबते हुए नज़र आते हैं, ये जो कंपनीज हैं ये डूबती हुई ना नज़र आए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो यहाँ पे पॉलिसी होल्डर्स हैं, जो आप लोग हो जिन्होंने पॉलिसी ले रखी है, उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। पेज 14 पे आपको एक और खबर मिलती है, जियो फ्यूल्ड कॉम्पिटिशन लाइकली टू डेंट टेलकॉज FY19। यहाँ पे बेसिकली बताया गया कि 2018-19 के अंदर आप लोग देखोगे ये तीसरा स्ट्रेट ईयर रहा जहाँ पे रिवेन्यू हमें कम होता हुआ नज़र आया टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। कारण रहा जियो का इस्तेमाल करना, जियो जब से आया है कॉम्पिटिशन मार्केट में ख़त्म हो गया है, क्योंकि जियो से सस्ते इंटरनेट कोई और नहीं प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में हम लोगों को यहाँ पर एक डाउनफॉल नज़र आ रहा है। पेज 14 पे आपको एक और खबर मिली, US चाइना ट्रेड वॉर पोजेस द बिगेस्ट रिस्क टू ग्लोबल स्टेबिलिटी सेज IMF ऑफिशियल। यहाँ पे IMF ऑफिशियल का ये कहना है कि US और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रही है वो सबसे बड़ा रिस्क है हमारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और फिस्कल स्टेबिलिटी के लिए। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेग्जिट का इशू चल रहा है वो भी एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को रिसेशन वाली स्थिति भी नज़र आ सकती है। एक बड़े रिस्क को अगर कंट्रोल करना है तो US और चाइना के बीच में जो टेंशन है उसको हम लोगों को कम करना पड़ेगा। इस ट्रेड डिस्प्यूट को पूरे के पूरे 8 महीनों से ज्यादा हो गए हैं और इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे इंपैक्ट होते हुए नजर आए हैं US और चाइना में तो ही, पर पूरी की पूरी दुनिया में भी यहां पे इसका इंपैक्ट हो रहा है और हमारे देश में भी इसका इन्फ्लुएंस हम लोगों को दिखाई दे रहा है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बता सकते हो। वीडियो का एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।